नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार के निर्णय, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करने, जो कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देती थी, को पास किया। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद में सदस्यों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजन किया जाएगा, जिसमें एक जम्मू व कश्मीर विधानसभा सहित होगा, जबकि दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा का होगा। यह सदन जम्मू कश्मीर संबंधी धारा 370 को समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों का आभार प्रकट करता है। इसमें मैं थोड़ा एक संशोधन करता हूँ कि हम दोनों सदनों की जगह भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना जारी हुई है आज की तारीख में, नई दिल्ली 5 अगस्त 2019। शीर्षक है, राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। संविधान एक्ट में जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2019। संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं। इस आदेश का नाम संविधान ब्रैकेट जम्मू और कश्मीर पर लागू ब्रैकेट बंद आदेश 2019 है। यह तुरंत प्रवृत्त होगा और इसके बाद ये समय समय पर तथा यह संशोधित संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 का अधिक्रमण होगा। समय समय पर यथा संशोधित संविधान के संबंध सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और संशोधनों आशोधनों के अधीन लागू होंगे वे निम्न प्रकार हैं। अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा। पहला, संविधान जहां तक जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है के प्रयोजनों के लिए का यह संविधान तथा इसके उपबंधों के निर्देशों को उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके संबंधों का निर्देश माना जाएगा। ख, जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर रियासत, जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके निर्देशों को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा। ग, उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।